यही थी। अब माँ के साथ भी खड़े हैं अजीत जी, पूरी फैमिली पूरा परिवार यहाँ खड़ा है। अजीत सिंह जी से पूछते हैं कि आज की जो खुशी है उसको किस तरह से बयां करेंगे। थैंक यू अमित, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी दिख रहा हूँ आपको, या जो भी एक छोटा सा बच्चा बड़ा होके अमेरिका की बात कर रहा है या अपने एजुकेशन की बात कर रहा है, तो मैं इसके पहले अभी कुछ देर भी पहले मैंने एक बात बोली थी कि एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए सारे थपेड़े झेलती है। तो मैं अपनी माँ के लिए कहना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे वो जो डिस्टेंस है, मैं जाके वहाँ पे खड़ा होकर वेट करता था अपनी माँ का कि मेरी माँ आएगी अपने बच्चे को गले लगाएगी। और ये कुछ ही दूरी का डिस्टेंस है। और मैंने एक बात अभी बोली थी कुछ देर पहले कि आज मुझे अगर 2 किलोमीटर पैदल चलने को कहा जाए तो मुझे समस्या होती है। समस्या इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरी माँ 6 किलोमीटर जाके वहाँ पे एक समाज है जो बहुत सारे थपेड़े झेलते हुए अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दी। मैं अपने माँ के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे हर जन्म में यही मेरी माँ हो, और आई लव यू मॉम। तो माता जी ये बताइए आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं सुशीला सिंह रानीपुर पीएससी पर कार्यरत हूँ, ये मेरा घर है। तो और यही से अपने बच्चों को शिक्षा दी हूँ, संस्कार दी हूँ, बुलंदियाँ छुई हैं जी। आज क्या अनुभव रहा और किस तरह? बहुत खुशी मालूम रहे, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बच्चा इस जगह पर है। और भगवान करे वैष्णो माता की और आगे जाए कि पूरी दुनिया देखे इनको जी। आज लखनऊ में एक प्रकाश सा कर दिया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी, क्या शुभकामनाएं आशीर्वाद के? आज आपके जो पुत्र हैं जी, उनको लोग जो है मऊ का सितारा बोल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि लखनऊ में सूरज की तरह चमक रहे हैं। हाँ, तो जिस तरह मेरी तमन्ना यही थी कि मेरा बच्चा इतना आगे सूरज, जैसे धीरे धीरे सूर्य भगवान उठते हैं, इसी तरह उठकर इतना ऊपर चला जाए, इसके प्रकाश से पूरी दुनिया रोशन हो जाए। लेकिन वो तो आपकी तारीफ करते थकते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लड़के के पीछे माँ बाप का जो योगदान है वो किसी का नहीं है। वो तो भाई सभी लोग मेहनत अपने बच्चों के लिए करते हैं जी। तनी कोई थोड़ा ज्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन जब सफल हो जाता है बेटा तो जो हाँ, तो वो लगता है कि हमारी सारी परिश्रम सारी मेहनत सार्थक हो गई। जैसा कि आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में थे, आप भी गवर्नमेंट जॉब में, कहीं ना कहीं जॉब बच्चे के करियर में बाधा तो नहीं पड़ी? कभी नहीं पड़ी। कहा कि मैं घर परिवार और सर्विस दोनों साथ साथ लेकर चलती थी कि दोनों का संतुलन बना रहे। अच्छा, इस बीच में कभी आपके हस्बैंड का कहीं और ट्रांसफर हो गया हो, आपका कहीं नहीं हो गया हो, ऐसा तो नहीं? एक ही जगह पर? हाँ, एक ही जगह रानीपुर में आज मैं 30 साल से हूँ जी। ठीक है। अच्छा, अब्रॉड जब भेज रही थी तो कुछ दुख तकलीफ महसूस हुई अपने बच्चा जब दूर गया विदेश गया तो कैसा लग रहा था? क्या मन हो रहा था उसको दूर भेजने का? दुख तो था कि बच्चा दूर हो रहा है, लेकिन कुछ करने के लिए जा रहा था, इसलिए बहुत बड़ी खुशी थी। मैं अपने बच्चों को यही सिखाई हूँ इनको कि जिस फील्ड में है उसको सही ढंग से, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी की आत्मा का कोई ठेस ना पहुंचे। कहा है कि जो मेहनत से एक एक पैसे जो आदमी इकट्ठा करता है, उस मेहनत को मैं महसूस की हूँ, मैं उस मेहनत की हूँ, इसलिए हर व्यक्ति का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उस दुख को मैं अनुभव करती हूँ। इसलिए इनको यही संस्कार दी हूँ कि किसी की आत्मा को ठेस ना पहुँचाए, कि किसी को यह तकलीफ हो कि अजीत सिंह मेरा पैसा लेकर बैठ गए हैं। बिल्कुल, हमेशा आज भी यही शिक्षा देती हूँ, पहले भी यही दी हूँ, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ मेरे बच्चों में है। मेरे 5 बच्चे हैं, 5ों बच्चे, कोई कुछ कहने वाला नहीं है कि कोई शराबी है चाहे कोई जुआरी है चाहे, इस मामले में तो ईश्वर मुझे बहुत बड़ी खुशी दिए हैं। ठीक, कि मेरे सभी बच्चे अच्छे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो आपके 5 पुत्र थे सभी सफल हो चुके हैं। 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं जी, और सभी लोग के संस्कार अच्छे हैं, कोई किसी को दुख पहुंचाने वाला नहीं है।